कृषि आंदोलन के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर डटे हुए हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चलूनी कैथल के नजदीक पड़ते गांव थाना के टोल प्लाजे पर पहुंचे। बता दें कि थाना टोल प्लाजा पर किसानों का ये धरना लंबे समय से चल रहा है। इस मौके पर गुरनाम सिंह चलूनी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि किसानों को धरने पर बैठे 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अब यह आंदोलन देश में फैल चुका है। चडूनी ने कहा कि हरियाणा के 17 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, उनके आगे गहरे खड्डे खोद दिए गए हैं और बैरिकेडिंग कर दी गई है, सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और जमीन में कीले गाड़ दी गई है। दिल्ली में जाने वाली ट्रेनों को भी बंद कर दिया गया है ताकि लोग दिल्ली ना जा सके। जो आज का आंदोलन है वो आज 2.25 महीने हो गए हैं इस आंदोलन को चले और ये आंदोलन पूरे देश में एक तरह से फैल चुका है और अब हरियाणा के किसानों की इसमें भूमिका और ज़्यादा बढ़ गई है और आज हरियाणा नंबर 1 पे आंदोलन में है और दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा लग रहा है और हरियाणा के किसानों के जागने से सरकार बौखला गई है। उसने पूरे हरियाणा में 17 जिलों में नेट बंद कर दिए और जहां धरने थे उनके आगे खाइयां खोद दी, सीमेंट की दीवारें कर दी, किले गाड़ दी, ट्रेनें दिल्ली में जानी बंद कर दी और अपने गुंडों से हमले करवाने शुरू कर दिए और इस सब के बावजूद जो हरियाणा का किसान है, जो हरियाणा के दूसरी बरादरियां भी हैं, यहां तक के शहर वाले भाई भी, वो भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं और ये आंदोलन एक तरह से हरियाणा में इस टाइम चरम सीमा पे चोटी पे पहुंच गया है और तब तक लड़ा जाएगा जब तक इस आंदोलन को जीत। वहीं आगे की रणनीति पर बोलते हुए गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि आने वाले 6 फरवरी को राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे पर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जाम लगाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि किसानों की 6 फरवरी की रणनीति को लेकर प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है ताकि कोई असामाजिक तत्व आंदोलन में ना घुसे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।